हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 जून 2020 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी देखेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए क्विज भी है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, मतलब जो कोशिश करता है गलतियाँ भी उसी से होती हैं, जो कोशिश ही नहीं करेगा तो उससे गलतियाँ क्या होंगी। और अपनी गलतियों से डरिए नहीं, क्योंकि गलतियों से ही सीखने को मिलता है। हमें गलतियां करके ही पता चलेगा कि हमें कहां सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में विजय खंडिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के नए CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में गौरव महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 जून को मनाया गया। शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी के लिए हाल ही में झारखंड सरकार मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगी। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक विकास के लिए नए अध्यक्ष के रूप में लॉरेंट बोक्यूले को नियुक्त किया गया है। एलन स्टार्चन की पुस्तक डार्क स्टार ने ब्रिटेन थिएटर बुक प्राइज 2020 जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में डॉक्टर सेतुरमण पंचानाथन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में यस बैंक ने अफोर्ड प्लान लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे ने नेविक GPS उपग्रहों के लिए ध्रुवा रिसीवर चिप विकसित की है। और हाल ही में भारत ने निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की दिशा में एक मार्ग विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की है। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन प्राइमा। हाल ही में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन प्राइमा के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर नेरकर प्रधान जी को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू CEO ऑफ प्राइमा। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है प्राइमा करती क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में प्रैक्टिस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है विल्मिंगटन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड KBL माइक्रो मित्र फॉर MSMEs। हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है KBL माइक्रो मित्र स्कीम MSMEs के लिए। MSME है यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ओके, और इस स्कीम के तहत MSMEs को 10 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु जो कि है कर्नाटका में। ओके, यहाँ के MD और CEO हैं महाबालेश्वर एमएस। और कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू इंगेज फॉर्मर चैंपियंस। हाल ही में पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को संलग्न करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तभी हाल ही में जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी इन्होंने अनाउंस किया है कि पूरे इंडिया के अक्रॉस लगभग 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ओके, और ये सेंटर खोले क्यों जाएंगे,
ये सेंटर खोले जाएंगे जिसमें जो फॉर्मर वेटरन प्लेयर्स हैं हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारे यंग प्लेयर्स को कोचिंग देंगे। ओके, उससे कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे कि जो वेटरन क्रिकेटर हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करेगा, और वो एथलेटिक्स को सपोर्ट देंगे, नए यंग्स प्लेयर को इनक्रेज करेंगे, और जो स्पोर्ट्स का लेवल है मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल विडो डे वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 23 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल विडोज़ डे। ठीक, बात करते हैं इसे क्यों मनाया जाता है। तो जो विडोज़ होती हैं, जो विधवा होती हैं, उनके द्वारा उनके ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनके वायलेशन जो फेस किए जाते हैं उनके द्वारा, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, बात करें 19 जून की, तो 19 जून को मनाया गया था वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। उसके बाद 21 जून को था इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूज़िक डे, फादर्स डे। ओके, ये तीनों इवेंट 21 जून को थे। 22 जून को था वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। और 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे के साथ एक और डे मनाया गया था, वो था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटर हैज़ अप्रूव फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए केंद्र ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी है? तो 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि 2024 तक लगभग 18 करोड़ ग्रामीण घरों में जो नल का कनेक्शन है उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी स्कीम में बहुत सारे स्टेट्स में पहले फंड रिलीज़ कर दिया गया था जल जीवन मिशन के लिए, और कुछ में अभी किया गया है। तो सबसे पहले किया गया था मेघालय, असम, बिहार और उड़ीसा में। उसके बाद किया गया था मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा के लिए किया गया था, और अभी हाल ही में तेलंगाना के लिए, और कुछ फंड ओडिशा के लिए दोबारा फिर से रिलीज़ किया गया है। तो बात करते हैं कितना फ़ंड रिलीज़ किया गया है। तो तेलंगाना के लिए किया गया है 412.19 करोड़, और उड़ीसा के लिए किया गया है 812 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिशन जीरो स्कीम टू काउंटर कोविड-19। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जीरो मिशन योजना शुरू की है? तभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है मिशन जीरो कोविड-19 से लड़ने के लिए। और ये महाराष्ट्र में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये महाराष्ट्र में BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि मिशन जीरो है क्या। तो मिशन जीरो के तहत 2 से 3 हफ्तों तक 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स मुंबई के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और वहाँ पेशेंट्स को एग्जामिन करेंगी। ओके, उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा जनाने हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट 42 ही वॉज। पूर्णिमा जनेन का हाल ही में 42 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थी? ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसकी जगह होगा कौन। तो वो एक राइफल शूटर थी, इंडियन एयर राइफल शूटर थी वो फॉर्मर। उसके अलावा वो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में कोच भी रह चुकी हैं। ओके, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है 42 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड H-1B वीज़ा एंड अदर वर्क वीज़ाज फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर।
हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक के लिए H1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा को निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में USA ने जो H1B वीज़ा थे और अदर वर्क रिलेटेड जो भी वीज़ा थे उनको 2021 के एंड तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। बात करते हैं ये H1B वीज़ा है क्या। तो जो भी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करती हैं या जॉब पे रखती हैं जो कि अमेरिका से बाहर का है, तो उसे H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका में जॉब दिया जाता है। ओके, तो COVID-19 के चलते वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट का ख़तरा चल रहा था, और क्योंकि अब अमेरिका ने भी H1B वीज़ा को सस्पेंड कर दिया, उसके साथ अदर वर्किंग वीज़ा भी सस्पेंड कर दिए हैं, तो अब एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें और सामने आएंगी। ओके, ज़्यादातर इंडिया के जितने भी IT सेक्टर से वर्कर्स थे वो सब H1B वीज़ा के थ्रू ही अमेरिका जाते थे। बात करें USA की, तो USA की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, एंड यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और करेंसी है डॉलर्स, US डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटर्स? हाल ही में नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी ने लॉन्च किया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है, युक्ति 2.0 को, और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि सब अपने इनोवेशंस या आइडिया शेयर किए जा सकते हैं सबके द्वारा, और पूरे इंडिया के अक्रॉस स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, और स्टूडेंट क्या और भी जिन्हें इनोवेशन और आइडियाज़ की ज़रूरत है वो सब इसे एक्सेस कर सकते हैं, और इसके थ्रू नए नए इनोवेशन और आइडिया देख के उनसे सीख ले सकते हैं। ठीक है, तो ये युक्ति का 2.0 यानी कि सेकेंड वर्जन था। इसके पहले युक्ति का जो फर्स्ट वर्जन था वो 11 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था। ग्यारह अप्रैल 2020 को। बात करते हैं युक्ति की, तो युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग COVID-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बेटिंग COVID-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई है इंदिरा रसोई योजना। इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर दिया गया है, और इस योजना के अंतर्गत जो भी गरीब या पुअर हैं उनको 2 टाइम का खाना जो है वो कंसेशनल रेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, और इस योजना के लिए वहाँ की गवर्नमेंट हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर हैं यहाँ के कलराज मिश्रा जी, कलराज मिश्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू फरवरी 2021 ड्यू टू COVID-19? हाल ही में COVID-19 के कारण किस पुरस्कार को फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को पोस्टपोन कर दिया गया है फरवरी 2021 तक के लिए, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता था हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से। किसकी तरफ से? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। कब शुरू हुआ था ये? 1943 में। तो इसके तो गोल्डन ग्लोब के पहले ऑस्कर को भी पोस्टपोन किया जा चुका है। ऑस्कर को पोस्टपोन किया गया है अप्रैल 2021 तक के लिए, और उसके पहले बाफ्ता को भी पोस्टपोन किया जा चुका है, और इसकी भी डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऑस्कर के आसपास ही रखी जाएगी, यानी अप्रैल 2021 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड? तो अभी हाल ही में
जयदीप नंदी जी को नियुक्त किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। जो बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1930 में। तो चलिए अब देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को अगले 2 वर्षों में $10 मिलियन का योगदान देगा। उसके बाद चाइनाज हाई स्पीड मैगलेव हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। चाइना की उच्च गति मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो क्या है ये मैगलेव? मैगलेव का मतलब है हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन। मैगलेव का मतलब है मैग्नेटिक लेविएशन, और जो चाइना की हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन है उसका सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुका है। और जो इसकी स्पीड बताई जा रही है, इसकी स्पीड थी लगभग 600 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी फास्ट है ये। उसके बाद है नेस्ले इंडिया CMD सुरेश नारायण स्टम एक्सटेंडेड बाई अनदर 5 ईयर्स। नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायणन का कार्यकाल 5 साल और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद सेंटर विल एलोकेट 3,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम PM केयर फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पे वेलफेयर भी होगा। तो वेंटिलेटर आपूर्ति और प्रवासी श्रमिकों के वेलफेयर के लिए केंद्र जो है वो PM केयर से 3,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। नेक्स्ट है यूको बैंक हैज़ टाइड अप विथ 4 इंश्योरर्स टू ऑफर वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यूको बैंक ने विभिन्न बीमा उत्पादों को की पेशकश के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो कौन कौन सी हैं 4 ये? तो पहली है SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेकेंड है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड है रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और फोर्थ है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो वक्त है अब आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $20.1 मिलियन टू निकागुरा गवर्नमेंट। किस बैंक ने निकागुरा सरकार को $20.1 मिलियन की दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया गया है? तो गाइज मेक श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन का आंसर। पिछला क्वेश्चन था हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो इसका सही आंसर था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ NIPFP। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मुझसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। साथ में होंगे कुछ टॉप लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।